खाओ, क्योंकि ये जो तुमने बनाया ना ये बहुत टेस्टी बनाया। सब्जी लाने वाला थैला टाइप लग रहा है, मतलब बालों के लिए बहुत बढ़िया रहती है। उनका श्रृंगार विंगार करेंगे हम, साड़ी वाड़ी पहनाएंगे। ये सेट मैं माता के लिए लाई थी, बट उनकी ये नींबू हटा लें तो सिर्फ डेकोरेशन के लिए था। ये जिनके बालों में डेंड्रफ हो जाए, जैसे अपने संसार की सभी शक्तियों को अपने में समेटा हुआ सूप बना लिया, जितनी भी सीजनेबल वेजिटेबल्स हैं। मैंगो का भी टाइम नहीं है, और माँ वालों ने मेरी ड्राई स्किन के लिए ये भेजा है। तुमने बहुत अच्छा बनाया जाती है ना, वो झाइयां बिल्कुल हट जाएंगी, बिल्कुल उनका वेट जिंदगी में कभी लॉस नहीं हो सकता। राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज है हेयर वॉश वाला डे, तो मैंने शैम्पू तो कर रखा है पहले ही, मतलब दो दिन पहले मैंने शैम्पू कर लिया था। तो आज मैं कुछ स्पेशल लगाने जा रही हूँ अपने बालों में। ये एंशियंट रेमेडी है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके बालों में डेंड्रफ हो जाए। जैसे अभी सर्दियां चल रही हैं और जाती जाती सर्दियां हैं, तो मेरे बालों में ना डेंड्रफ ने अपना कब्जा जमा लिया था, तो इसलिए मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ ना, तो हल्का हल्का डेंड्रफ झड़ रहा है। तो एक एंशियंट रेमेडी मैं आपको बता दी, जो कि मैंने प्रिपेयर कर रखी है कई दिनों से। रुको, तो दोस्तों ये है तांबे की बोतल, और आयुर्वेद में अगर आपके बालों में डैंड्रफ हो रहा हो तो आयुर्वेद में ये रेमेडी है कि आप छाछ को तांबे के बर्तन में 3 से 4 दिन के लिए रखा छोड़ दो, उसका जो कलर है ना वो ग्रीन हो जाएगा। तो ये मैंने 4-5 दिन हो चुके हैं इसको मैंने रखा हुआ था छाछ को तांबे के बर्तन में, तो अब ये बिल्कुल जहरीली हो गई है। ठीक है, ये पीने लायक बिल्कुल भी नहीं है, और इससे ये बालों के लिए बहुत बढ़िया रहती है और डेंड्रफ बहुत रिमूव हो जाता है इससे। बहुत लोगों का तो ऐसा भी हुआ है कि इससे एक ही बार में बालों का मतलब झड़ना रुक गया है और डेंड्रफ ख़त्म हो गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए इसको, और देखते हैं इसके लाइव रिजल्ट्स मैं आपको भी बताऊँगी। तो मैं आज इसको फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि बाल वॉश करने से पहले आपको दिखा दूं कि ये कैसा लगता है। तो देखो, आज मतलब 4 से 5 दिन हो गए, 5 दिन हो गए होंगे इसको, और अब भी जस्ट अभी मैंने ढक्कन खोला है, ढक्कन खोलते ही ये सारा ऊपर आ गया। तो आज मैं इसी से ही, आज मैं बिल्कुल शैम्पू नहीं करने वाली, क्योंकि शैम्पू तो यार केमिकल है, वो एकदम से जो भी लगाओगे सब कुछ वैनिश कर देता है। तो इसलिए मैं आज, मेरे बाल वैसे धुले हुए हैं तो इसी को आज मैं लगाने वाली हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, मेरा हेयर फॉल तो नहीं हो रहा, टचवुड हेयर फॉल ना हो, उसके लिए मैं बहुत कुछ करती रहती हूँ, तो इसलिए बस डैंड्रफ हो गया है विंटर की वजह से, तो वो ठीक करते हैं आज हम। चलो ट्राई करते हैं, नहाने चलते हैं, उसके बाद आगे बताती हूँ। ठीक है, तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। A few moments later. हाँ जी, तो हेयर वॉश कर लिया है, नहा लिए हैं, तो अब मैं नहा के अपनी माता रानी को मैं अब तैयार करने वाली हूँ कि वो स्वच्छ कपड़े पहनाऊंगी, साड़ी पहनाऊंगी। और मैंने बड़ी सुंदर माता की मूर्ति मंगवाई है, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पहले उनका श्रृंगार विंगार करेंगे हम, साड़ी वाड़ी पहनाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं अपनी माता रानी को कैसे तैयार करती हूँ, कैसे उनका श्रृंगार करती हूँ। देखो, मैंने ये वाली माता रानी मंगवाई थी माँ अम्बे, मुझे ये डिलीवर हुई है ना, तो इसमें देखो कोई मेकअप नहीं है, बिल्कुल प्लेन है ना। और इसकी नक्काशी देखो कितनी सुंदर की गई है, एकदम मतलब जितनी सुंदर नक्काशी होगी उतने ज़्यादा पैसे होते हैं, ये वाली बात है। मतलब अगर आप और इसे कम रेंज में लोगे ना, तो वो इतनी ज़्यादा मतलब क्लियर नहीं बनी हुई थी। तो ये मैंने ली है, मतलब इनकी जो न्योछावर है वो है 2300 रुपीज़ की। तो इसमें ये क्लियर मतलब इनकी आकृति बनी हुई थी, मतलब आँख नाक और ये शेर का ही, और जैसे इसका साइज़ है ना वो है 5.7 इंचज़। ठीक है, तो ये साइज़ के हिसाब से आती है, तो साइज़ ज़रूर देख लेना डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको भी ऑनलाइन परचेज करना हो तो। ठीक है, तो चलो अब इनको तैयार करते हैं। सुख प्रदान करने वाली श्री दुर्गा जी को नमस्कार है, दुख को हरने वाली श्री अम्बा जी को नमस्कार है। आपकी ज्योति का प्रकाश निराकार अर्थात असीम है, जिससे तीनों लोकों में उजियाला फैल रहा है। आपका मस्तक चंद्रमा के समान और मुंह की शोभा अति विशाल है, नयन लाल आभा से युक्त और भव्य विकराल रूप वाली हैं। माता का यह रूप बहुत सुंदर प्रतीत होता है, जिसके दर्शन करने से ही भक्तजनों को सुख मिलता है। तुम ही संसार की समस्त शक्ति हो, अथवा आपने संसार की सभी शक्तियों को अपने में समेटा हुआ है, और जग का पालन करने हेतु अन्न और धन प्रदान किया है। अन्नपूर्णा का रूप धरकर आप ही जगत का पालन कर रही हैं, और प्राचीन बाला सुंदरी भी आप ही हैं।
प्रलय काल में आप ही सबका नाश करने वाली हैं। शिव शंकर की प्रिया गौरी पार्वती भी आप ही हैं। शिव तथा योगी गण भी आपका गुणगान करते हैं और ब्रह्मा विष्णु देवता नित्य ही आपका ध्यान करते हैं। माँ दुर्गे अपने शरण में आए हुए की रक्षा करती हैं। उनके भक्तों को कभी किसी का डर नहीं रहता। दोस्तों ये है माता की साड़ी जो मैंने अच्छे से प्रेस कर ली है। मैंने पहले ही बना ली थी, माता के आगमन से पहले ही मैंने रेडी कर ली थी। अब दोनों तरफ से ना मैंने ऐसे रबर बैंड लगा लिया, एक साइड से रबर बैंड और ऊपर से मैंने कलावे से बांध दिया। अब ये माता की कमर से मैं इसको बांध दूंगी और इसके पल्लू को घुमा के मैं रबर बैंड निकाल के इस तरह से साड़ी फैला दूं। माता की मूर्ति का चेहरा ना काफी ज्यादा छोटा था तो इसलिए मेकअप ढंग से नहीं पता चल रहा। और अभी चंद्रिका भी मंगानी है मुझे, चंद्रिका भी डिलीवर नहीं हुई है। ये सेट मैं माता के लिए लाई थी बट उनकी गर्दन के हिसाब से ना काफी ज्यादा बड़ा हो रहा था तो मैंने ये वाला रेड और ग्रीन कलर का माता को सेट पहना दिया। और अब आप बताओ कैसी लग रही है माता? क्या बना के लाई? तुमने बनाया ये? देखो मसालों में थोड़ा सा डिसबैलेंस होगा बट तभी भी ऐसा है कि अच्छी तरह से यू नो रिफ्रेश कर देगा। वाह सुशी तुमने तो बहुत अच्छा बनाया। नींबू हटा लें तो वो सिर्फ डेकोरेशन के लिए। कह रही है नींबू हटा लें तो सिर्फ डेकोरेशन के लिए था। क्या क्या डाला तुमने इसके अंदर अपने? ये बहुत टेस्टी बनाया है। लेमन डाला है, सिर्फ एक ही लेमन का यूज़ किया था अपने लिए तो बना ली मैंने। चाट मसाला और काला नमक हो गया और पुदीना और लाइक ये जलजीरा। वैसे तो जलजीरा की ज़रूरत नहीं थी, वो ऑप्शनल था बट मैंने तभी भी ऐसे फ्लेवर के लिए डाल दिया और ऐसे। बट सच में ये धनिया पत्ती डाली है ना, ये बड़ा रिफ्रेशिंग लग रहा है। हाँ बिकॉज अभी क्या है कि अब जहाँ से अभी मैंगो शेक वगैरह भी ऐसे पी के आए हैं तो फिर उन्होंने क्या देखो सीजनल एक होता है ना कि मैंगो का भी टाइम नहीं है और उन्होंने ऐसे दे दिया तो शुगर भी इतनी नहीं थी और जबरदस्ती की आइस आइस भर दी। फिर उसी का वो प्राइस बोल दी। शुगर तो बेटा अच्छा हुआ नहीं थी इतनी, लेकिन फिर भी सीजनेबल सॉरी मैं आइस की बात कर रही हूँ। उन्होंने आइस इतनी क्रश की इतनी भर दी उसमें सबसे ज्यादा आइस ही। इसलिए जब भी खाओ सीजनेबल चीजें ही खानी चाहिए, या तो सीजनेबल वाला ही आप शेक पियो या वही फ्रूट खाओ। क्योंकि ये जो तुमने बनाया ना ये बहुत टेस्टी बनाया, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है किसी प्रोफेशनल ने बनाया। अभी मैं खुद के लिए भी, अब बात ये कि वो बाकी के नींबू है ना वो अचार बनाने के रखे तो तुमने अपने लिए नहीं बनाया? नहीं, तो फिर डैडी जी ने कहा कि सिर्फ एक भी नींबू का यूज है ना क्योंकि बाकी नींबू का अचार बनेगा तो यही मैंने फिर मेरे लिए नहीं बनाया। तुमने अपने लिए नहीं बनाया? अरे तो इसमें से ले लेना था आधा ग्लास। अरे कोई बात नहीं पी। अच्छा पी के तो देख अभी, अब तुमने नहीं पिया तो तुम ये पी के देखो कैसा लगा। मुझे लगा कि तुमने अपने लिए भी बनाया होगा। आप ही पी लो यार। दोस्तों तो हो गया है मेरा पूजा पाठ का काम और मेरे बाल है देखो धोने के बाद ना शैम्पू नहीं किया है तो छाछ से धोने के बाद में ऐसे हो जाते हैं, ऐसे तेल लगाया हुआ बालों में। देखो कंघी भी नहीं करी अभी मैंने, तेलिया जैसे बाल हो जाते हैं क्योंकि चिकनाई होती है ना, मलाई होती है उसमें इसलिए। चलो पहले बाल बांध लेते। एक चीज दिखानी थी आपको, एक पार्सल आया है देखते हैं इसमें क्या क्या है। छाछ से धोने से बाल सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये है मेरा जीरा वाटर, मतलब जीरा की चाय होती है ना एक तरह से, वो है। इसमें है लेमन, जीरा, थोड़ा सा अदरक, बस। देखो पानी सा दिख रहा होगा। मतलब टेस्टी बहुत लगता है। इसमें हल्का सा पिंक सॉल्ट होता है ना, बस वो डाल दो। इंटेस्टाइन को क्लीन करता है और वेट लॉस करते। तो मैंने तो अपना वेट लॉस, मैं पहले ऐसी नहीं थी, मैं पहले मोटी थी, मतलब मोटी इन बहुत ज़्यादा मोटी नहीं थी बट हाँ चबी चबी टाइप होते ना ये गुलगुले ऐसे थे और मतलब हाथ वात मेरे अच्छे खासे तंदुरुस्त थे। तो इसको मैंने कैसे कम किया, मैंने एक तो रोज़ आंवला एलोवेरा जूस में पीती ही हूँ और दूसरा मैं प्राणायाम से मेरा बहुत कम हुआ। प्राणायाम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि मैं तीन टाइम खाना नहीं खाती। जो लोग तीन टाइम ठूसते हैं ना उनका वेट ज़िंदगी में कभी लॉस नहीं हो सकता। चाहे आप बहुत, आप किसी को भी हायर कर लो, कोई डाइटिशियन हायर कर लो, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैंने कभी अपनी लाइफ में कभी कोई डाइटिशियन हायर नहीं किया, ना अपना डाइट प्लान कभी किसी से बनवाया। मैं खुद अपनी डाइटिशियन हूँ, खुद अपना सब कुछ प्लान कर लेती हूँ मैं, ठीक है। तो क्योंकि अब इतने साल से इस लाइन में काम कर रही हूँ मैं तो इसलिए इतना नॉलेज हो जाता है करते करते। मैं दो टाइम खाना खाती हूँ। एक टाइम तो मेरा ऐसा होता है कि जैसे सूप ले लिया,
या खुद से ही बनाती हूँ मैं, खुद से सूप बना लिया, जितनी भी सीजनेबल वेजिटेबल्स हैं उसका सूप बना लिया। अब जब भी मैं मतलब मैं हेल्थ को लेकर ना टेस्ट की परवाह नहीं करती, टेस्ट को मैं नहीं देखती, टेस्ट चाहे कैसा भी हो तो हेल्दी सूप जो होएगा ना उसका टेस्ट आपको हो सकता है अच्छा ना लगे, बहुत सारे लोग मुंह नाक सिकोड़ेंगे मतलब इस तरह का सूप पी के। मैं आपसे शेयर भी किया हुआ है एक व्लॉग में अपना स्पिनच वाला सूप मैं कैसे बनाती हूँ, मतलब सीजनेबल वेजिटेबल्स का मिक्स सूप कैसे बनाती हूँ, वो मेरे को बहुत हेल्प करता है। इससे क्या होता है, इससे आपके फेस पे अगर झाइयाँ वाइयाँ हैं जैसे हो जाती है ना, वो झाइयाँ बिल्कुल हट जाएंगी बिल्कुल। ये मेरी नाक पे पता नहीं कैसे आ गई थी एक झाई, मतलब एक छोटा सा निशान सा आ गया था अपने आप ही, जैसे आ जाता है तो ये अपने आप ठीक हो गया। क्यों, जैसे मैंने सूप रेगुलर अपना सूप पिया, अभी विंटर्स में मैंने बहुत सूप पिया, रेगुलर मैंने सूप पिया तो ये अपने आप गायब हो गया। मेरे को कभी कोई मेडिसिन मैं लेती ही नहीं हूँ, इसलिए मैं हमेशा हेल्दी चीज़ों की तरफ या आयुर्वेद की तरफ मैं ज़्यादा फॉलो करती हूँ उसी चीज़ को, तो मुझे भगवान की कृपा से दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने लाइफ में कभी चाय नहीं पी, मैं चाय नहीं पीती, दूध पी लेती हूँ और इस तरह का कोई हेल्दी ड्रिंक बना के पी लेती हूँ। ये पार्सल आया है अभी, बस मैंने क्रश किया, अभी खोला नहीं है इसको, मतलब प्रोडक्ट्स देखे नहीं है क्या क्या है। हाँ चलो, मैंने इसको चाकू से काट लिया था, फिर मैं पूजा करने चली गई क्योंकि लेट हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ ही मैं इसको खोल के देखूंगी इसमें क्या क्या है। अच्छा जी, तो जी ये आया है इसके अंदर, आया कहाँ से है पहले, बायोडर्मा, बायोडर्मा से आया भाई। ये देखो ये है क्या वैसे, सूदिंग माइसिलर क्लिनजिंग फोमिंग जेल फेस एंड आई रिंग सॉफ्ट सेंसिटिव स्किन, माइसिलर वाटर है ये बायोडर्मा का। लेकिन यार कुछ थिक नहीं है, माइसिलर वाटर तो वैसे एकदम पानी जैसा होता है, कुछ थिक सा है। और देखो फुल बॉटल आई है इसकी, और भी है भाई। ये क्या है, ये है बायोडर्मा का अल्ट्रा सूदिंग फोमिंग जेल, ये है भाई, ये भेजा है बायोडर्मा वालों ने। फोमिंग जेल मतलब वेरी ड्राई इरिटेटेड टू एटॉपिक सेंसिटिव स्किन, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन हो, बहुत ड्राई स्किन हो उनके लिए है ये। तो ये है एक फेशियल क्लिंजर, मतलब फेस वॉश साधारण भाषा में बोले तो। नेक्स्ट है इसमें बायोडर्मा का अल्ट्रा क्रीम मॉइस्चराइजिंग नरिशिंग मॉइस्चराइजिंग क्रीम नॉर्मल टू ड्राई स्किन सेंसिटिव स्किन 24 आवर्स हाइड्रेशन, तो ये आया है बायोडर्मा की तरफ से। तो ये फेस वॉश भी है और ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, मेरा मतलब नॉर्मल मॉइस्चराइजर से काम नहीं चलता है, और हाथों का तो बिल्कुल ही नहीं, हाथों पे मुझे कैस्टर ऑयल लगाना पड़ता है, इस बार तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है, तो बायोडर्मा वालों ने मेरी ड्राई स्किन के लिए ये भेजा है मुझे। ठीक है, और क्या है, और भी कुछ है भाई, ठीक है, टी शर्ट है क्या, कुछ टी शर्ट सी लग रही है, बायोडर्मा टी शर्ट भी बनाने लगे हैं क्या, एनवेलप, एनवेलप तो बड़ा अच्छा है ये। ये क्या है, टी शर्ट तो नहीं लग रही है, ओ हैंड बैग, सब्जी लाने वाला थैला टाइप लग रहा है, मतलब कॉलेज गोइंग्स के लिए अच्छा है मतलब ये। और इस पे क्या लिखा है, केयर फर्स्ट NAOS, ये मतलब हैंडमेड है ये, आई थिंक कोई NGO वगैरह है उनके साथ आई थिंक इसका टाई अप है, तो ये कोई अच्छा, ये ऐसे बंद भी हो जाता है वायर, बैग तो बड़ा अच्छा है, थैला टाइप का देखो, हैंडमेड है, बहुत अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक है ये तो, वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज़ भेजी इन्होंने। चलो प्रोडक्ट्स तो अच्छे हैं ही, बट ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, नाइस। बीच वगैरह के लिए ना, बीचेस वगैरह पे जाओ तो ऐसी ही चीज़ें अच्छी लगती हैं, है ना। चलो कोई नहीं, काम आएगा, लेकिन पता नहीं कहाँ ही काम आएगा। मतलब इसको जैसे मैं ट्रैवल वगैरह पे जाती रहती हूँ ना, तो जैसे मुझे मार्केट वार्केट जाती हूँ तो मैं शायद तब ऐसे रख लेती हूँ इसको, छोटी मोटी चीज़ें लेनी होती हैं तो ये बैग ये सही है, छोटा सा फोल्ड भी हो जाता है और ले जाने में भी अच्छा लगेगा। हाथ से करी हुई है यार ये, मशीन से नहीं है, देखो ये हाथ से की हुई है, देखो है ना, इंधा से कोलैबोरेट करके, टू सेलिब्रेट वुमेन्स एम्पावरमेंट टू आर्टिस्ट्री, हैप्पी वुमेन्स डे, ओके विद बायोडर्मा, नाइस, आई लव इट, आई रियली लव इट, मुझे बहुत पसंद आया ये। सील पैक होता है, देखते हैं, मेरी सेंसिटिव तो नहीं है, बट हाँ मेरी ड्राई बहुत है स्किन। नरिशिंग तो है यार काफ़ी।